दोस्तों, अगर आप क्लास 6 से 12 तक किसी भी क्लास में हो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है तो अब आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डाउट नॉट की तरफ से एक नंबर आया 8400 400 400। इसमें आपको अपने क्वेश्चन का फोटो खींचना है व्हाट्सएप पर और इसको अच्छे से क्रॉप कर लेना है कि जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही दिखे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसको क्रॉप कर आपको 8400 400 400 नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज देना है और आपको मात्र 3 सेकेंड वेट करना है। जैसे ही काउंट टू 3 2 1, आपको 3 सेकंड वेट करोगे, आपको आपका क्वेश्चन का जवाब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के एकदम बेहतरीन तरीकों से सरल स्टेप में, कई तरीकों से कई स्टेप में आपको यहां पर आपका आंसर मिल जाएगा। आपको ना कोई पैसा देना पड़ेगा ना कुछ, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत इस नंबर पर अपने क्वेश्चन को भेजे और साथ में डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक भी दिया हो तो जरूर जाकर डाउनलोड। हेलो दोस्तों, शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स में पोर्शन चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हम एक्सरसाइज 8.2 में हम पहुंच चुके हैं। उसमें एक्सरसाइज जो है 8.2 के मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं। क्वेश्चन नंबर वन में 5 सवाल हैं तो मैंने 2 सवाल बता दिए हैं। तो इसमें सिंपली क्या करना है कि जो हमने 0 से 90 डिग्री के जो वैल्यू बताए हैं, ये चीज़ ये टेबल हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर तैयार कर चुके हैं होंगे। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ठीक है। 0 से 90 डिग्री तक सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें साइन का याद होना है। साइन का अगर याद हो गया तो कॉस को जो है यहाँ से पलट देते हैं, तो ये अगर वैल्यू आपको याद है तो ये सवाल जो है लग जाएंगे। आइए हम जो इसी क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है। आप बुक जो है अपना खोल लें, देखें यहाँ पे सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए इस बार क्या है कि इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें आपको सॉल्व वॉल्व साइड से करना रहता है एक रफ जैसा। अब आपको आंसर से ट्रिक करना है। देखिए इसमें क्या है कि 2 tan 30 degree हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए 2 tan 30 degree अपॉन 1 plus tan² 30 degree, तो यहाँ पर हम वैल्यू देखिए रखते हैं। 10 30 degree की वैल्यू जो है 1/√3, ये चीज़ है। ये हो गया 1/, ये स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो है सिंपली 2/√3 हो जाएगा ये पूरा, दिस इज 1, ये स्क्वायर होगा 1/√3 का। ये चीज़ जो है जब कोई भी नंबर स्क्वायर में होता है अंडर रूट में होता है तो उसका स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। सिंपली अगर देखा जाए तो 2/√3, 3 × 1 = 3 और +1 तो 4/3। तो नीचे वाला नंबर क्या होता है, ऊपर मल्टीप्लाई होता है ये चीज़। ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 4√3। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 2, ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 और ये जो 4 है √3, एक 3 कट गया ये 2 से कटा तो फाइनली जो आया √3/2। इसमें जो ऑप्शन दिया है, देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन ये है sin 60 degree, cos 60 degree, tan 60 degree, sin 30 degree। तो इसमें देखना है कि √3/2 किसका वैल्यू जो रहता है, यहाँ पे √3/2 होता है तो ये जो होता है sin 60 degree की वैल्यू होती है, ठीक ना। तो ये जो ऑप्शन हमारा ए सही होगा क्योंकि ये जो है sin 60 degree की वैल्यू ही हमारी क्या होती है, √3/2, ठीक ना। इसमें ऑप्शन √3/2 ना देखे, इसमें इनडायरेक्ट रूप से दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर दी करिए, हम सवाल लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए 1 − tan² 45 degree अपॉन 1 + tan² 45। देखिए यहाँ तो 1 है, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो उसका स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा। देखिए 1 + फिर से tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएगा 1 − 1/1 + 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 1 − 1 = 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये चीज़ क्या जाएगा 0। इसमें जो ऑप्शन है ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें दिया है tan 90 degree, तो tan 90 degree की वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट होती है, तो ये ऑप्शन नहीं है। 1 है, 1 तो आया नहीं है। sin 45 degree, इसकी जो वैल्यू होती है 1/√2 होता है। हम बोले थे कि अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। डी ऑप्शन 0 है जी, ठीक है, ये जो है आपका डी ऑप्शन होगा क्योंकि इसका आंसर 0 आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, इसमें बोल रहा है कि साइन टू ए इजकल टू टू साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। कह रहा है कि ए किसके बराबर होगा तब ये जो सत्य होगा। तो आप देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पे रखना पड़ेगा साइन टू ए जीरो रखेंगे तो ए की वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो साइन जीरो ये जीरो इजकल टू जीरो। थर्टी डिग्री रखेंगे यहाँ पर देख लीजिए तो साइन टू इंटू थर्टी ये साइन सिक्सटी डिग्री, साइन सिक्सटी डिग्री वैल्यू अंडर रूट थ्री बाई टू। यहाँ पे जी देखिए ये जो है आप पाएंगे ये जीरो डिग्री के लिए ही केवल सत्य होगा ये जो चीज़ है ठीक ना। आप जो है चौथा ऑप्शन देख लीजिए, चौथा सवाल देखिए टू टेन थर्टी डिग्री अपान वन माइनस टेन स्क्वायर। फिर से वही चीज़ टू टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू जो है ये चीज़ है यहाँ पे वन माइनस ये जो है टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू वन बाई अंडर थ्री का स्क्वायर। ये जो चीज़ हो जाएगा टू वन बाई अंडर थ्री ठीक ना, ये हो जाएगा वन माइनस स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री। ये फाइनली हो गया टू बाई अंडर थ्री अपॉन ये थ्री वन जा थ्री, ये हो जाएगा टू बाई थ्री ठीक है। आप देख लीजिए कैसे सॉल्व हो रहा है, एकदम ईजी है। ये थ्री जो है ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये टू इंटू थ्री हो जाएगा और ये हो जाएगा टू इंटू थ्री तो टू से टू कट जाएगा। ये थ्री जो है इसमें दो इसको ऐसे ले सकते हैं थ्री को अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री एक अंडर रूट थ्री ऐसे है तो कट गया तो आप क्या बचा अंडर रूट थ्री। अंडर रूट थ्री जो है अगर ध्यान से देखा जाए तो ये टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू है। ऑप्शन इसमें जो आप पाएंगे वो टेन सिक्सटी डिग्री आप पाएंगे। देखिए टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू जो है अंडर रूट थ्री होती है। आप जो है पिछला टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है टेन सिक्सटी डिग्री की जो वैल्यू है यहाँ पे अंडर रूट थ्री बाई वन है मतलब अंडर रूट थ्री है ठीक है। इस तरह से इसके जो सवाल हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, यदि टेन ए प्लस बी इजकल टू अंडर रूट थ्री टेन ए माइनस बी इजकल टू वन अपान में अंडर रूट थ्री। ये देखिए सवाल अच्छा है, ये सवाल जो है इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा सवाल में घुमाया हुआ है लेकिन फिर भी इसको क्या करेंगे कि टेन ए प्लस बी इजकल टू अंडर रूट थ्री टेन ए माइनस बी इजकल टू वन अपान में अंडर रूट थ्री। जहाँ पे कह रहा है कि ए प्लस बी यानी कि ए एंगल ए और एंगल बी जो है दोनों मिलके क्या है कि जीरो से बड़ा है और नब्बे डिग्री से कम है, नब्बे डिग्री या नब्बे डिग्री से कम है और इसमें कह रहा है कि एंगल ए जो है बी से बड़ा है तो ए और बी का अलग अलग मान बताइए। टेन ए प्लस बी क्या दिया है सवाल हम नोट कर दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए टेन ए प्लस बी इजकल टू अंडर रूट थ्री दिया है और टेन ए प्लस यहाँ पर टेन ए माइनस बी है ठीक है, टेन ए माइनस बी इजकल टू वन अपान में अंडर रूट थ्री। हमें ए और बी की अलग अलग वैल्यू बतानी है ठीक ना। इसमें देखिए जो इक्वेशन वन है अगर हम इसको देखें कि टेन ए प्लस बी इजकल टू अंडर रूट थ्री तो बताइए कि ये जो है टेन में कितने एंगल का मान जो है अंडर रूट थ्री होता है, ये चीज़ को हम लिख सकते हैं कि टेन सिक्सटी डिग्री ठीक ना। अंडर रूट थ्री को इनडायरेक्ट रूप से टेन सिक्सटी डिग्री लिख सकते हैं तो यहाँ पे टेन से टेन कट जाएगा तो ये जो चीज़ हो जाएगा ए प्लस बी इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा सिक्सटी डिग्री। तो इसको इक्वेशन नंबर हम जो है मान लीजिए ये दे दे रहे हैं कैपिटल ए ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड से समीकरण समीकरण दो से चलिए यहाँ से देखिए क्या होता है। ये चीज़ है टेन ए माइनस बी, ये तो हमारा सवाल दिया था बहुत आसान है, अगर आप लगाए नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। वन अपान में अंडर रूट थ्री लिखा हुआ है तो बताइए कि टेन में देखिए यहाँ पे हमको टेन लेना ज़रूरी है राइट हैंड साइड में ताकि टेन से टेन कटे तो ए और बी में जो है हमारा समीकरण बने। तो टेन ए माइनस बी इजकल टू वन अपान में अंडर रूट थ्री है तो ये जो होता है टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू जो है वन अपान में अंडर रूट थ्री। यहाँ पे साइड में देख लीजिए आप टेबल देखते रहिए, टेबल अगर याद नहीं होगा तो परेशान हो जाएंगे और टेबल अगर याद नहीं तो आप समझिए कि चार नंबर के जो सवाल जो है आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलने हैं जिससे आप लगा नहीं पाएंगे। टेन से टेन कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी इजकल टू थर्टी डिग्री, इसको समीकरण नंबर बी दे दीजिए। इसको ए देना थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसको स्टार दे दीजिए, इसको डबल स्टार दे दीजिए। सिंपली ए प्लस बी इजकल टू सिक्सटी डिग्री ए माइनस बी इजकल टू थर्टी, दो इक्वेशन दोनों कैसे सॉल्व कर देते हैं इसको। यहाँ पे बहुत आसान है ए माइनस बी
इसकल टू यहाँ पे हो गया 30 डिग्री, दोनों को क्या कर दें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2a, दोनों समीकरण को ऐड कर देते हैं सिंपली, तो ये 60 प्लस 90 हो जाएगा, 60 प्लस 30 90 डिग्री हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। अगर a की वैल्यू 45 डिग्री है तो b हम इक्वेशन स्टार में चाहे डबल स्टार में किसी भी इक्वेशन में हम रख दें तो b वहाँ से b की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, तो b आप पाएंगे कि 15 डिग्री यानी कि 15 डिग्री है। देखिए ये चीज़ a और b हम अलग अलग निकाल दिए, एक 45 डिग्री और b जो है 15 डिग्री, ठीक ना, ये चीज़ हुआ है इसमें। इसी तरह इसमें और भी क्वेश्चन है, तो ये जो है एक्सरसाइज 8.2 में लगभग आसान था। इसमें मेन जो चीज़ था कि आपको वैल्यू जो है याद रहे, जो हमारा ये टेबल है, जो टेबल है इसमें आप देखेंगे कि साइन कॉस टेन बहुत ज़्यादा यूज होंगे, बाकी अदर यूज होते हैं लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि ये सारे यूज होते हैं साइन कॉस टेन, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एक्सरसाइज 8.3 में होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोण क्या होते हैं, ये सबसे सवाल ये है कि पूरक कोण क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे दो एंगल जिनका योग जो है 90 डिग्री, जैसे हम कहें कि 60 और 30 ऐसे दो एंगल हैं जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री होंगे, तो 60 और 30 एक दूसरे के पूरक एंगल कहलाएंगे, ठीक है। अभी जो बच्चे शुभम क्लासेस पे नए हैं, इस चैनल पे नए जुड़े हैं, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। और अब तक जो है मैथ का करीब 110 से ज़्यादा लेक्चर पढ़ चुके हैं हाई स्कूल इंटर जो बोर्ड के बच्चे हैं कक्षा 10 और 12 के। तो जिनको जैसी ज़रूरत है, अगर कक्षा 10 का बच्चा है तो 10 का प्लेलिस्ट से जाके जो है ना वीडियो आप जो है टॉपिक वाइज देख सकते हैं, एक सीक्वेंस में पढ़ा हुआ है। आप हो सकता है यूट्यूब पे ऐसे सर्च करें तो अलग अलग दिखाए, लेकिन जो शुभम क्लासेस में जाएंगे वहाँ पे वीडियो में और एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे मैथ है, फिजिक्स है, साइंस है, सब अलग अलग रहता है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। पूरक कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें कि इसका कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं आज, ठीक ना। ये फार्मूला ही है, देखिए त्रिकोणमिति में आपको फार्मूला बहुत ज़्यादा मिलेगा और यहाँ से जो है सवाल काफ़ी बनते भी हैं जो पूरक वाले से, अभी हम दिखाएंगे। और ये सारे सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें ये सवाल हो गया, उसके बाद जो है त्रिकोणमिति सर्वसमकायें आएंगी, जो इसमें एक्सरसाइज 8.4 तक ही पढ़ना है। तो सवाल हमको आर.एस. अग्रवाल से भी प्रैक्टिस करना है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है अभी हम जो है इससे पढ़ेंगे। आइए हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला सीख लेते हैं, उसके बाद जो है हम फिर सवाल करेंगे। इसमें है कि पूरक कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि दो एंगल का समेशन 90 डिग्री हो, तो दोनों एंगल जो है अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो a का कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि a का पूरक जो है कोण b होगा और b का जो पूरक कोण होगा वो a होगा, तो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। अगर हम बात करें कि 40 डिग्री का पूरक कोण बताइए तो 50 होगा, ताकि ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, ठीक ना। तो ये जो चीज़ है आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें हम फार्मूला पढ़ेंगे, इसमें फार्मूला नंबर 1 है कि जो साइन 90 माइनस थीटा है, देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला हो जाता है कॉस थीटा, ठीक ना, यहाँ पे जो चीज़ रहेगा वो कॉस थीटा। दूसरा जो फार्मूला है कि कॉस 90 माइनस थीटा, ये चीज़ हो जाता है साइन थीटा। देखिए ये एक साथ चलते हैं साइन और कॉस, ये उल्टा वाला फार्मूला नहीं है कि साइन का उल्टा जो कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा जो है शाइन होता है, ये अलग है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला है। एक दूसरा जो फार्मूला है कि देखिए टेन 90 माइनस थीटा, ये टेन 90 माइनस थीटा, तो ये चीज़ हो जाता है कॉट थीटा। फार्मूला अगर याद हो गया तो कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक ना, तो ये हो जाता है टेन थीटा। ये दोनों तो एक साथ सही हैं कि टेन का उल्टा जो कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, तो टेन जो है कॉट में बदल रहा है और कॉट जो है टेन, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तीसरा जो फार्मूला है फार्मूला नंबर सी, तो ये जो है इस फार्मूले पे हर साल जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं, हम आपको दिखाएंगे
जो हमारे पास कक्षा 10 का जो एक जो नया हमारा क्वेश्चन बैंक आया हुआ है 2020 के लिए नया मार्केट में आ चुका है, NCERT बेस है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसे हम करेंगे, आप दिखाएंगे कि ये जो सवाल जो है इस फार्मूले पे कितना बार पूछा गया है बोर्ड में। अभी तो आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और कैसे फार्मूला यूज़ किया जाता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट फार्मूला है कि सेक जो है यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री रहेगा, इस हर जगह डिग्री है, ये जो फार्मूला हो जाता है ये होता है कोसेक थीटा, और यहाँ पे जो है कोसेक 90 माइनस थीटा जो हो जाता है ये सेक थीटा, ठीक ना। अगर वैसे देखा जाए, अगर रेसिप्रोकल यानी कि प्रतिलोम यानी कि उल्टा वाला नियम लगाएं तो साइन का उल्टा कोसेक होता है ये, और कॉस का होता है सेक, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, उल्टा वाला फार्मूला नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो ये जो है इस फार्मूले पे आधारित जो है हम सवाल करेंगे। आइए आपको एक सिंपल हम सवाल करके बताते हैं कैसे ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल के रूप में हम बात करें, एक सवाल हम करते हैं कि टेन 65 डिग्री, देखिए टेन 65 डिग्री अपान जो है कॉट 25 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ जो है हमें इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। तो ये जो है टेन 65 अपान कॉट, एक छोटा सा एग्जांपल इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए, जो छह फार्मूले हैं है ना, ये छह फार्मूले समझ जाएंगे, लेकिन एक दूसरे के साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक जो है शेक में। देखिए यहाँ पे अगर टेन 65 डिग्री है, ये बताइए जो टेन 65 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 25। देखिए आप कहीं भी 90 में से 25 हटाएंगे यहाँ पे, ये कायदे से 65 डिग्री ही आएगा, ठीक ना। तो ये जो 65 डिग्री को मैंने घुमा के लिख दिया है कि 90 माइनस 25 डिग्री, ये फाइनली जो टेन 65 ही लिखा है, ये जो चीज़ लिखा है टेन 65 ही है, क्योंकि 90 में से 25, लेकिन थोड़ा सा घुमा के लिख दिया गया है, और इसमें नीचे वाले को नहीं चेंज करेंगे, कॉट 65 डिग्री है तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए क्या होगा, अब जो हम फार्मूला पढ़ेंगे टेन 90 माइनस थीटा, ये जो 25 डिग्री है ये थीटा की तरह काम करेगा, टेन 90 माइनस थीटा, ये वाला टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये थीटा जो है हमारा ये 25 डिग्री होगा, तो ये चीज़ हो जाएगा कॉट 25 डिग्री, यहाँ पे नीचे एक मिनट सॉरी, ये 90 में से देखिए 90 में से जो है यहाँ पे एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हो गया, 25 डिग्री है यहाँ पे जो नीचे है 25 डिग्री है, हमने गलत लिख दिया था यहाँ पे, तो ये चीज़ हो गया कॉट 25 डिग्री, तो देखिए ये कट गया, तो फाइनली क्या आ गया 1, ये जो चीज़ है टेन 65 डिग्री अपन कॉट 25 डिग्री यहाँ पे 1 हुआ, ठीक ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि टेन 65 डिग्री को देखिए कन्फ्यूजन क्या होता है कि टेन 65 डिग्री को ऐसे लिखते हैं टेन 90 माइनस 65, ये चीज़ गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसी चीज़ को हमको दूसरे फॉर्म में लिखना है, अगर 90 में से अगर 65 घटाएंगे तो ये जो चीज़ है ये टेन 25 डिग्री आ जाएगा। ये चीज़ बताइए कि कभी टेन 65 डिग्री टेन 25 डिग्री बराबर हो जाएगा, एक ही चीज़ जो है कैसे बराबर हो सकता है कि ये टेन 65 डिग्री और टेन 25 डिग्री, ये गलत हो जाता है। ये जो चीज़ है लिखने का तरीका, ये टेन ये चीज़ लिखा जाएगा 90 डिग्री माइनस 25, अगर 90 में से आप 25 घटाएंगे तो 65 आएगा, तो ये जो है टेन 65 ये चीज़। तो इसमें बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत ढेर सारे सवालों में आपको ये चीज़ यूज होगा। देखिए ये सब एग्जांपल हैं यहाँ पे हैं, ये सब है, ठीक है, यहाँ पे भी हमें करना है, तो कई सवालों में। तो एक्सरसाइज जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 होगा, वो हम सारे सवाल बताएंगे। उसके बाद देखिए आर एस अग्रवाल के भी हमें सवाल प्रैक्टिस करने हैं, थोड़ा बड़े बड़े सवालों को, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट तो सीख लेंगे कैसे जो यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री को मैंने पहले इसलिए शुरू किया कि ये जो है हमारा कम से कम 12 नंबर जो है ट्रिग्नोमेट्री से मिल जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस, और ये अगर हम पूरा पढ़ लें 8.1 8.2 8.3 और 8.4, ये चार और एक एक्सरसाइज जो है हाइट एंड डिस्टेंस का है, पाँच एक्सरसाइज से अगर हमारा 12 नंबर बन रहा है तो मैं सबसे पहले इसे कवर करूँगा। उसके बाद हम जो है आपको ये निरसांग ज्यामिति और जो दो चैप्टर छूटा हुआ है त्रिभुज का,
तो इसके जब इसको पढ़ा लेंगे हम तो निरसांग ज्यामिति शुरू कर देंगे। निरसांग ज्यामिति बहुत छोटा चैप्टर है तो उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो भी बच्चे क्लास टेंथ में हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं एकदम रेगुलर पढ़ाई करें। थोड़ा सा जो है बीच बीच में शुभम सर जो है वीडियो बनाते रहते हैं कि अपने समय का बचत कैसे करें, टाइम टेबल को मैनेज कैसे करें, अपने पढ़ाई को कैसे कंटिन्यूस रखें, है ना। और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डेली का डेली देखिए, जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते रहें, क्योंकि सरकार जो है नए नियम लाते रहती है, उसमें आपको पता नहीं चलता है। हो सकता है बोर्ड का पैटर्न जो है आने वाले क्वेश्चन का कभी कभी बदल जाता है, तो वो जो है आप देखते रहना चाहिए। इससे आपको नॉलेज मिलता है, बोर्ड से संबंधित कोई भी चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है, तो वो जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। ठीक है, हम लोग भी जो भी सूचनाएँ इकट्ठा करते हैं वो पेपर के माध्यम से ही और नेट पे हम लोग सर्च करते हैं और फिर बाकी अन्य स्रोतों के माध्यम से भी हम लोग पता करते हैं, तो तब जाके जो है आपको बताया जाता है। कोई फर्जी काम यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तब तक लिए थैंक यू सो मच।